तो जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीदों का स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह किसी न किसी यात्रा पे निकल रहे होंगे। तो आज चलते हैं अपने वाराणसी जंक्शन पे। पीछे आप देख सकते हैं वाराणसी जंक्शन। तो आज अपनी जर्नी होने वाली है वाराणसी जंक्शन से लखनऊ जंक्शन के बीच में, और चलते हैं अपने जंक्शन वाराणसी स्टेशन के प्लेटफार्म पे और दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा। और वाराणसी जंक्शन को तो आप जानते ही हैं दोस्तों, वाराणसी जंक्शन 9 प्लेटफार्म का एक बहुत ही बड़ा और बिजी रेलवे स्टेशन है। और अपना वाराणसी जंक्शन पड़ता है गोरखपुर मंडल के NCR जोन में। वाराणसी तो दोस्तों आप जानते हैं किस लिए फेमस है। वाराणसी अपने मंदिर और घाटों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और यहाँ अपने भारत की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जहाँ विदेशों से भी छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। तो वाराणसी एक बार ज़रूर आएँ घूमने के लिए। और हमारे पीछे देख सकते हैं आप अपना राष्ट्रीय ध्वज कैसे लहरा रहा है। तो इसके लिए एक बार जय हिंद। ये लवली मड़वाली भैया, लवली मड़वाली। इस समय हम आ चुके हैं वाराणसी जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 5 पे, और आज की अपनी जर्नी होने वाली है श्रमजीवी एक्सप्रेस में, जो वाराणसी से चलकर राजगीर से चलकर नई दिल्ली को जाती है। इसमें हम बोर्ड करने वाले वाराणसी से, और वाराणसी जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 5 पे अपनी लगी है श्रमजीवी एक्सप्रेस। तो आइए चलते हैं ट्रेन के अंदर, और आज की जर्नी होने वाली है अपनी जनरल कोच में। चलते हैं ट्रेन के अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा। दोस्तों देख सकते हैं ये रहा अपने ट्रेन का इंजन, तुगलकाबाद डिपो का Wave 7 इंजन के साथ चलती है अपनी श्रमजीवी एक्सप्रेस। और आज की अपनी देख सकते हैं अपने ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है, चलते हैं। दोस्तों वाराणसी जंक्शन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, आप देख सकते हैं सामने DLW सेट से बना नया इंजन लगा हुआ है। ट्रेन एकदम राइट समय पे है, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज। अलविदा बनारस। बैठ जाइए भैया, एकदम जगह बना के धीरे धीरे बैठिए, और फिर देखते हैं, आराम से बैठिए जगह बना के। बस धीरे धीरे बैठेंगे, जगह बनेगा तभी। यहाँ के दिक्कत आपके बंद गई। नहीं भाई, चार लोगों के ठेलियां तब बंद। धूल मिट्टी जम गई है ये भाई, ज्यादा पैर पर लग के कोशिश न करा, बैठे ना भाई, आराम से बैठे, खड़ा है, बैठ जाना तू भी आराम से, वहाँ बैठा बैठा रहे यार। अब ये दिया बैठे के बाद
रुके ना। प्लेटफार्म पे ले लिया इसने, प्लेटफार्म इधर आ गए। इलाहाबाद और सुल्तानपुर के लिए यहाँ ट्रेन बदली है। इलाहाबाद रूट अलग है, प्लेटफार्म छोड़ देगा, रुके नहीं। मेनू है या वो है बिचवा के होटल की चढ़ पाई है, इतना ऊपर आई है वैसे मर गई है कूदे में। मैं उतर सकता हूँ, लेकिन आगे की तरफ पेपर से उतरा ना, ठीक ना, पावदान से पावदान रहित तब निकल सकते, पावदान है नहीं डायरेक्ट भाई ना, कूदा तो दूर कूदा। अरे कैसे कूद गए, अब कूदे के बाद पता लगा आगे पीछे की तरफ आई है, डायरेक्ट गिरे जरूर। हाँ, वो पार गिरे, चोट लागे जरूर, आगे की तरफ गिरे के बाद भाई हाथे पैर टूटे बस, लेकिन पीछे की तरफ गिरे के बाद आप तक के बचा। दोस्तों हमारी ट्रेन जौनपुर जंक्शन के पहले जफराबाद जंक्शन के आउटर पे रुक गई है। जफराबाद जंक्शन इसलिए यहाँ से एक लाइन जाती है सुल्तानपुर के तरफ होके बनारस, और एक लाइन अपनी जो जा रही है लखनऊ, और एक लाइन यहाँ से चंगई के रास्ते इलाहाबाद की तरफ जाती है प्रयागराज की तरफ, इसीलिए जंक्शन पॉइंट भी है। दोस्तों सामने जो रोड देख रहे हैं जंगई के रास्ते प्रतापगढ़ चला, प्रतापगढ़ प्रयागराज चला जाता है। और अपनी ट्रेन थोड़ी देर में जौनपुर स्टेशन पहुंचने वाली है। Thank you.
आधे घंटे की देरी से अपनी ट्रेन श्रमजीवी एक्सप्रेस जौनपुर सिटी आ चुकी है। जौनपुर सिटी के प्लेटफार्म नंबर 2 पे ये ट्रेन आई है और जौनपुर सिटी 3 प्लेटफार्म का एक छोटा रेलवे स्टेशन है जो वाराणसी लखनऊ रेलखंड पे पड़ता है और इसका जैसी स्टेशन कोड हुआ तो आइए चलते हैं। आप देख सकते हैं सामने अपने ट्रेन का लोकोमोटिव दिख रहा होगा, तो चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर क्योंकि 1 मिनट का स्टॉपेज है इस स्टेशन पे इसका। और आप देख सकते हैं अपने पीछे वेब 11 का लोकोमोटिव मालगाड़ी व इंजन लेके आ रहा है, डबल इंजन है वेब 11। कहाँ तक जी बस तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों जौनपुर सिटी से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और ये ट्रेन 2 मिनट का स्टॉपेज था लेकिन 15-20 मिनट रुकने के बाद यहाँ से डिपार्चर हुई। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉप पे सुल्तानपुर हॉल। अलविदा जौनपुर सिटी। Thank you.
सुल्तानपुर जलसा दोस्तों, सामने आ चुकी हमारे दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस जो दुर्ग से चलकर नौतनवा पर जाती है, प्लेटफार्म नंबर 2 पे आ चुकी है और हम लोग आ चुके हैं सुल्तानपुर जंक्शन पे। दोस्तों, रात के 6 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन आ चुकी है सुल्तानपुर जंक्शन पे। ट्रेन तो अपनी बनारस से राइट टाइम चली थी, लेकिन सुल्तानपुर आते आते पूरे 1 घंटे लेट हो चुकी है। तो 1 घंटे की देरी से इसका आने के टाइम 5 बजे यहाँ पे था सुल्तानपुर में, और हम लोग आ रहे हैं पूरे 1 घंटे लेट 6 बजे। तो सुल्तानपुर 3 प्लेटफार्म का एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है और लखनऊ मंडल का स्टेशन है। और सुल्तानपुर से 2-3 जगह के लिए लाइन डाइवर्ट होती है, इसीलिए इसको सुल्तानपुर जंक्शन कहा जाता है। और आप हम लोगों के पीछे देख सकते हैं, ये लगी है नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस जो दुर्ग से चलकर नौतनवा को जा रही है। ये भी हमारे ही समय पे यहाँ पे प्लेटफार्म नंबर 2 पे आई है। दोस्तों, सुल्तानपुर से अपनी ट्रेन का डिपार्च हो चुका है। 1 मिनट रुकने के बाद ये ट्रेन अपने गंतव्य स्थान अगले स्टॉपेज निहालगढ़ रवाना हो चुकी है। तो मिलते हैं। दोस्तों, हमारी ट्रेन इस समय पहुंच चुकी है निहालगढ़ स्टेशन पे, और 2 स्टेशन का छोटा सा प्लेटफार्म है। यहाँ पे कोई यात्री का दूर दूर तक ठिकाना नहीं दिख रहा है, ठंड इतना भीषण है कि सारे यात्री एक छोटे से सेट के नीचे देखिए कैसे से सिकुड़ के बैठे हैं। बाकी दूर दूर तक किसी यात्री का पता नहीं चल रहा है और यहाँ लाइट भी गुल हो गई। नया होगी लखनऊ से डिपार्ट कर देता सेना को हो गई सेना। और कहा
एक घंटे सामने खड़ी है दोस्तों हमारे हिमगिरी एक्सप्रेस जो हमसे आगे चली थी अभी तक के लखनऊ जंक्शन पे ही रुकी है। हावड़ा से जम्मू तवी जाती है हिमगिरी एक्सप्रेस। कल पेपर है तो कल का सब आगे बोले दोस्तों। रात के 8 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन लखनऊ चारबाग स्टेशन पे आ चुकी है अपने राइट समय से। ट्रेन एक घंटा लेट थी, बनारस से चली थी तो जौनपुर सुल्तानपुर आते आते एक घंटा लेट हो गई थी, लेकिन लखनऊ आते आते इसने कवर कर लिया और एक घंटे पहले आ गए। और पीछे अपने देख सकते हैं हिमगिरी जो हमसे एक घंटा पहले निकली थी, अभी प्लेटफार्म नंबर 4 से खुल रही है। सामने जा रही है हिमगिरी हावड़ा से जम्मू तवी हिमगिरी एक्सप्रेस। तो दोस्तों हम आ चुके हैं गंगा जमुनी तहजीब के शहर लखनऊ, जिसको सामे अवध भी कहा जाता है, और अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जंक्शन। दोस्तों लखनऊ स्टेशन का कोड हुआ LKO और 10 स्टेशन का एक बहुत ही बिजी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। पीछे देख सकते हैं अपने लगी है श्रमजीवी एक्सप्रेस जिससे हम आए हैं, और दूसरे प्लेटफार्म पर लगी है हिमगिरी एक्सप्रेस। और सामने देख सकते हैं दोस्तों खड़ी है अपनी सहरसा चलकर अमृतसर जाने वाली सहरसा अमृतसर एक्सप्रेस जो प्लेटफार्म नंबर 1 पे खड़ी है।
आईएसएस के जाने का प्रस्त टाइम है 8:30 बजे। सामने देख सकते हैं अपने चारबाग मेट्रो का स्टेशन सामने है। दोस्तों ये रहा अपने लखनऊ चारबाग स्टेशन के बाहर का नज़ारा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर भव्य और शानदार है लखनऊ चारबाग, जो अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों की नगरी लखनऊ। दोस्तों यहाँ पे दो स्टेशन हैं और दोनों अलग अलग डिवीज़न में पड़ता है। एक लखनऊ चारबाग है और एक लखनऊ जंक्शन है, एक ही शहर और एक ही पास में होने पर भी दोनों स्टेशन अलग अलग मंडल में पड़ता है, ऐसा पता नहीं क्यों। और अपना बगल में ही है लखनऊ चारबाग मेट्रो, यहाँ से आप मेट्रो के द्वारा पूरे शहर में जा सकते हैं। नवाबों और सुल्तानों के महल के तरह लखनऊ स्टेशन का नज़ारा भी एकदम भव्य शानदार महल जैसा है। सामने देख सकते हैं लखनऊ जंक्शन का बोर्ड और अपने सामने देख सकते हैं पुराने ज़माने का छोटा स्टीम इंजन। और सामने देख सकते हैं लखनऊ जंक्शन का शानदार नज़ारा। दोस्तों आपने देखा लखनऊ स्टेशन के बाहर का नज़ारा और इसी के साथ ही यहाँ पे अपनी जर्नी समाप्त होती है और मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।